मैं अनिल दीक्षित, आज आपको आज की क्लास में हम वर्ग सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? वर्ग। तो वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर निकालना और वर्ग निकालना। आप अगर सिर्फ वर्ग को अगर देखना चाहें तो वर्ग देखने में लगभग इस टाइप का होता है। वर्ग की जो खासियत होती है उसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होती हैं और हर कोण इसका 90 डिग्री का होता है। ये वर्ग देखने में ऐसा होता है, लेकिन ये वर्ग अलग है। और जब नंबर को किसी नंबर का वर्ग निकालने के लिए बोला जाता है उसका मतलब ये होता है, जैसे कि इस वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालने की बात करें, हम ये बोलें कि ये जो है 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग कितना होगा? तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है दो भुजाओं की जो दूरी है, लंबाई है, उनका आपस में गुणा कर देना, 36। इसी को किसी नंबर का स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर हम 6 का स्क्वायर निकालना चाहें, 6 का अगर स्क्वायर निकालना चाहें, तो 6 के स्क्वायर के लिए यहां पे इस तरीके से 2 लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 6 का 6 में गुणा करना है। वर्ग का मतलब क्या है? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। अभी जैसे अगर आप 2 का वर्ग कहेंगे कि 2 का वर्ग कितना हुआ, ठीक है, तो 2 का वर्ग का मतलब जो है वो 2 × 2 बराबर 4। सिंपल सा, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, इसको कहते हैं वर्ग। अभी जैसे आपको बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, जो 9 तक की संख्याएं हैं, उनका वर्ग आपको निकालना बहुत आसानी से है। आपको 9 तक टेबल आती है तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि भैया 9 का वर्ग इतना है, 8 का वर्ग इतना है, 7 का वर्ग इतना है। अभी अगर हम ये चाहें कि हमको 100 तक के वर्ग, 2 डिजिट के नंबर जितने भी हैं, 1 से लेकर 99 तक, उनकी अगर वर्ग निकालने हो, तो उसके लिए हम आपको एक यूनिक तरीका बताएंगे। एक तो होता है राजमार्ग से जाना। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे YouTube पे जो आपको अलग अलग नंबर्स के वर्ग निकालना बता देंगे। जैसे उन्होंने बता दिया, मान लीजिए कि 35 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो वो एक ट्रिक बता देंगे आपको कि 5 × 5 = 25 और 3 का उसकी नेक्स्ट डिजिट 3 का गुणा 4 में, 3 से अगली डिजिट 4 होती है, तो 3 और 4 का गुणा कर दिया, 3 × 12, तो वो 35 का वर्ग 1225। ये निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर किसी ने पूछा 85 का कितना है, तो 5 का तो 25 पता है और 89 का 72, 8 × 9 = 72, तो हमने बता दिया तुरंत के साथ 72 25। लेकिन उतने से एग्जाम में तो काम नहीं चलेगा, वहां पे तो 5 एंडिंग नंबर का स्क्वायर पूछा जाए ये जरूरी नहीं है। तो एक यूनिवर्सल, एक हर नंबर पे काम जो करे वो तरीका हम आपको बताते हैं। शायद एक 6ठी क्लास में या 8वीं क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है आपने। इसको आ और बा भी हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, यहां पे हम ए और बी लिख रहे हैं। इसका स्क्वायर जो है वो होता है ए स्क्वायर, इस संख्या का वर्ग, प्लस 2ab, मतलब 2 × ये संख्या और × ये संख्या, प्लस बी का वर्ग। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें किसी भी नंबर का वर्ग निकालने में, जैसे सपोज दैट सबसे पहले 10 के बाद आती है 11, तो हमने ये माना कि इसमें ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो इस वाले 1 का स्क्वायर यहां पे लिखा, 1 का स्क्वायर, उसके बाद में यहां पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा लगा लें, 2ab, तो 2 × 1 और × ये वाला 1, और उसके बाद फिर कॉमा लगा लें और अब इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर, तो फिर 1 का स्क्वायर। अब यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, तो इस साइड से लिखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अभी यहां पे गुणा करें तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2,
उसके बाद में इसका वर्ग करें तो एक का वर्ग भी एक होता है, एक एकम एक, तो 11 का स्क्वायर कितना आया 121। अब इसकी जगह पे और कोई नंबर लेके देखें, यहां पे हम 14 लेके देख लें, तो यहां पे ए जो है वो एक है और बी है 4। एक बार फिर से रखें, ए का स्क्वायर प्लस 2 गुणित 1 गुणित 4 और उसके बाद में बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब 4 चौक 16, यहां पे हम देखें 4 दूनी 8 और यहां पे देखें 1 एकम 1। अब यहां पे ध्यान दें, ये जो 6 है ये तो डायरेक्ट आंसर में आ गया, ठीक है, और 1 जो है वो इसमें जोड़ देंगे, क्या करेंगे 1 को इसमें जोड़ देंगे, तो 8 और 1 9 और यहां पे 1 है तो 1 सीधा सीधा आ गया आंसर में, तो 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196। अभी और देख लें, हमें मान लीजिए 37 का स्क्वायर निकालना है, तो 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए 3 और बी 7, बहुत आसान सा है, इसको अगर हम फिर से एक बार और करते हैं तो फाइनली आपको डायरेक्ट निकालना बताएंगे, 3 का स्क्वायर उसके बाद में 2 इंटू 3 इंटू 7 और उसके बाद में 7 का स्क्वायर। अभी इसको देख ले, ये 49 हो गया, 49, इसके बाद में 7 21, 21 दूनी 42 और उसके बाद में ये 3 3 9। हमने आपको बताया था कि दो डिजिट अगर हैं तो एक डायरेक्ट आंसर में आ गई ये 9, 4 इसमें जुड़ गई 42 और 4 46, 46 की 6 हासिल लगी 4, 4 और 9 13, तो इसका 37 का जो स्क्वायर आया वो 1369, ठीक है। अब इसको एक बार हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करें, कम टाइम लगाएं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे हमने स्क्वायर निकालना है 42 का, ठीक है। अब यहां से हम शुरू करें बी से, 2 2 4 हासिल कोई आई नहीं, अब 2 6 8, 8 2 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 6 16 17। मेंटली सेकंड्स में आप स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। और एक नंबर का देख लें, जैसे हमें 87 का स्क्वायर निकालना है, तो 87 का स्क्वायर निकालने के लिए ए ये है और बी ये है, हम यहां से शुरू करते हैं 7 7 49 की 9 हासिल लगी 4। अब पहले इनको कर ले 2 ए बी, 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 और 4 ये थे 116, तो यहां पे ये 116 हो गए, नो सॉरी 116 की 6 और हासिल लगी 11। अब 8 8 64 और 11, 64 और 65 और 10 75, ठीक है। एक और देख ले, ये इसका 87 का स्क्वायर जो है वो आपने निकाल लिया। अभी और एक नंबर देखें, 64 का भी स्क्वायर निकाल के देख लें, डायरेक्ट निकालेंगे, कोई एबीसीडी कुछ नहीं लिखेंगे, 4 6 16 की 6 हासिल लगी 1, 6 6 24, 24 2 48 और 1 49 की 9 हासिल लगी 4, 6 6 36 और 4, 36 और 4 40, ठीक है। अभी स्क्वायर ये आपको समझ में आ गया, तो दो नंबर का कोई भी दो टू डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर निकालने का ये एक तरीका है, आप कस के प्रैक्टिस करें जो आप इनका आंसर सेकंड्स में मेंटली कैलकुलेट कर पाए, ये लिखना भी ना पड़े आपको, ठीक है। धन्यवाद, कल हम आपको 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना बताएंगे, धन्यवाद।